चले आए लौटे आए। अब संजा के आए पिताजी, पिताजी लड़का से बोले बेटा कुछ लोग आए थे। कहा हाँ पिताजी आए थे, क्या पूछ रहे थे? ये पूछ रहे थे कि मैं पढ़ते सो ने पढ़ाई बताई और उनने पूछा जी मकान किसका है, तो सच्ची बात कह दी, किराए के मकान में रह रहे हम और तुम, तो काय को झूठी कहे। सो डुकरा खन्ना के बोलो जिंदगी भर कुंवारो बनो रहे हो, ऐसे ब्याह नहीं हुए। मोड़ा बोलो गलती का हो गई। डुकरा बोलो पूरी गलती हो गई, आज ही संबंध हो जाता, सगाई तय हो जाती। अरे तेरे लिए तो ये कहना था जिस सामने को मकान हमाओ, जो हमाओ जो हमाओ पीछे को हमाओ। मोड़ा बोलो पापा अब हाई आता है आंधो का हुकुम, सीधो सच्चो सीधे आदमी को जम भर जाए बात। सो 10-15 दिन बाद फिर सगाई बारे आए। सो पिताजी हते भीतर, मोड़ा बैठो तो बैठ कहां में। So, सगाई वाले बातचीत करने लगे, तब तक वे पिताजी आ गए। सो सगाई वाले बोले जे पिताजी तुम्हारे ही हैं। सो बाय तो भाई जची थी, बोले जे थोड़ी हैं। बोले तो, बोले एक मोठ में एक चिरगा में एक झांसी में एक संतर में। सगाई वाले बोले होगा ब्याह चलो चलो। देखो भाई ये जीवन का संबंध है, बहुत सोच विचार के करना चाहिए। घर अच्छा हो कुल अच्छा हो, काऊ के जहाँ सगाई करवे जाओ और पूछो भैया लड़का में मन भर गाओ कैसो है। कोई कहे हाँ हाँ जाना पैसा वाले हैं ना कम पैसा वाले हैं, खाते पीते तो आदमी कर देगा। और काऊ ने कहूं जो कह दई कि ठीक ठाक है पीते खाते हैं, सुई मई बगड़ जाएगा है ना, शब्दों का अंतर है। तो लक्ष्मी जी राजा बलि से बोली तुम धनवान हो बलवान हो बुद्धिमान हो विद्वान हो धर्मवान हो। फिर राजा बलि बोले कमी क्या है? लक्ष्मी जी बोली तेरा कुल ठीक नहीं है, तू राक्षस कुल का है। बात तो सही थी, चुप रह गया। इंद्र खड़ा हो गया, इंद्र ने कहा हमें मिल गया मौका। सो हाथ जोड़ के इंद्र बोला देवी जी हम तो हैं देव कुल के, हम पे ही कृपा कर दो। सुलक्ष्मी जी बोली तुम में कमी है। इंद्र नाराज होकर बोला लंगड़ा लूला क्या क्या कमी है, क्या कमी है बोलो, देव कुल के हैं। सो लक्ष्मी जी बोली कमी तुम में एक है, को जग भजन जब तक जाना करे तो तेरा ब्लड प्रेशर हाई होता है, घबराता है कि इंद्रासन न चला जाए। ऊंच निवास नीचे कर तूती और देख न सके पराई विभूति, तुझे दूसरों का अच्छा नहीं लगता। भगवान शंकर दुर्वासा ऋषि सब बैठे, भगवान नारायण मुस्कुरा रहे, ये ठीक है ये इतनी अच्छी हैं। भृगु ऋषि ने इनके हृदय में लाल दी थी तब भी कुछ नहीं कहा। देखो कथा आती है, एक बार देवताओं की मीटिंग लगी, बहुत ध्यान से सुनो। अब चर्चा ये चल रही ब्रह्मा विष्णु महेश तीन देवता हैं, कौन सबसे अच्छा है, कौन अग्रगण्य है, सर्वप्रथम पूजनीय कौन, ये चर्चा चल रही। सुबले ऐसे निर्णय नहीं होगा, भृगु ऋषि को भेज दो, पढ़े लिखे हैं विद्वान है ये पता पाड़े। ब्रह्मा जी के बेटा भृगु ऋषि गए, सो अपने पिता ब्रह्मा जी के यहाँ जाके बैठ गए, ना प्रणाम किया ना कुछ। ब्रह्मा जी नाराज होने लगे, इतने असंभव हो गए। भृगु ऋषि वहां से चले आए, हमारे पिताजी को सम्मान की भूख है कमी है नहीं। देखो अब भगवान शंकर कैलाश पति के पास में गए, बैठ गए। भगवान भोलेनाथ से बोले अरे ये क्या तुम्हारी वेशभूषा, भोलेनाथ त्रिशूल लेके भागे यहां से, हमें शिक्षा देने आया? ये भी गुस्से है, ना पसंद किया। अब भृगु ऋषि गए क्षीर सागर में भगवान के धाम में। सुलक्ष्मी जी बैठी से सैया पे, भगवान विष्णु विश्राम कर रहे। भृगु ऋषि ने अक किया न धक किया और जाके भृगु ऋषि ने भगवान की छाती में लात दे दी। भगवान उठ के खड़े हो गए, चरण पकड़ के बोले ब्राह्मण देवता तुम्हारा चरण कोमल है हमारा हृदय कठोर है, चोट तो नहीं लग गई? भृगु ऋषि रोने लग गए। इसे कहा जाता है सरलता देवत्व, लेकिन लक्ष्मी जी को ये बात सहन नहीं हुई। लक्ष्मी जी ने श्राप दे दिया कि जाओ तुमने निष्कारण हमारे पति का अपमान किया है, हम तुम्हें श्राप देते हैं, हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे।
तो उस ब्राह्मण ने कहा, लक्ष्मी याद रखना, हम तुम्हारा साथ कभी नहीं चाहेंगे, हम तो सरस्वती के उपासक रहेंगे, सरस्वती की कृपा हम विद्वान बने रहेंगे, तो तुम जैसी लक्ष्मी हमारे पीछे लगी रहेंगी। आज लक्ष्मी जी ने सोचा ये ठीक है। भृगु ऋषि ने चरण प्रहार किया था भृगुलता, आज भी भगवान के वो चरण हृदय में है। चट से जैसे ही माला डाली, भगवान लक्ष्मी जी से बोले, देवी तुमने सुयोग पति का वरण किया है, जाओ हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि आगे तुम्हारा नाम रहेगा पीछे हमारा। उसी दिन से भगवान का एक नाम हो गया, बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। शक्ति आगे ब्रह्म पीछे लक्ष्मी नारायण गौरी शंकर सीता राम और राधे श्याम। अब फिर समुद्र मंथन हुआ, लक्ष्मी जी को लेकर के भगवान आए, और दो मिनट की कथा। सुलक्ष्मी जी भगवान से बोली, बोली समुद्र किनारे आपने देखा, सब हम ही को चाह रहे थे, तो मैं कोई नहीं जा रहा था। भगवान बोले, नहीं नहीं देवी, हमारे भी भक्त हैं, कोई वक्त नहीं था, सब हमारी तरफ देख रहे थे, सब हमको चाह रहे थे, आपको कोई नहीं पूछ रहा था। सो भगवान बोले, नहीं नहीं देवी ऐसा नहीं है, तुम्हें विश्वास ना हो तो परीक्षा कर ले। लक्ष्मी जी बोली, कर ले परीक्षा। भगवान बोले, परीक्षा कर लो, आज ही ब्याह भाव, आज ही लक्ष्मी जी के दिमाग आई, इतनी बड़ी जिंदगी कैसे निकले। सो लक्ष्मी जी से भगवान बोले, हम जा रहे हो तुम आना। अच्छा भगवान पंडित जी बने, पोथी पत्रा चंदन वंदन खड़ाऊं पगड़ी, बहुत बड़े सेठ साहूकार रहते थे उस नगर में। गए एक सेठ जी वही पे हिसाब लगा रहे। भगवान बने, पंडित जी पहुंचे, सेठ जी ने कहा, आओ महाराज, प्रणाम किया, नाश्ता पानी कराया। और पंडित जी जब चलने लगे, सो एक सौ एक रुपया ले महाराज दक्षिणा। सो भी रुपया भगवान ने वापस कर दिया, नहीं नहीं हम फ्री पानी की दक्षिणा नहीं लेते। अरे महाराज आप ब्राह्मण देवता, हमारा कर्तव्य है, क्यों नहीं लेते, बिना मेहनत का नहीं लेते, मेहनत क्या करते हो। भागवत से पुराण देवी भागवत, मेहनत करते तब मेहनत की दक्षिणा कायदे की फिर लेते हैं। सब सेठ जी बोले, महाराज चार धाम तो हम कर आए, गंगा जली रखी है, वो हम भी चाहे थे कि भागवत की कथा हो जाए, लेकिन जिन पंडित जी को हम नाम सुनत सोबे कत इतना इतना। अब सेठ जी के पास में कमी नहीं थी, हृदय बड़ा लोभी था, लोभी इनकी कथा बड़ी विचित्र है। ये गांव प्रयागराज आए, सो पंडा जी बोले, संकल्प में छोड़ो कब, कुछ छोड़ो यहां संकल्प में, बाने कबू करो नहीं है तो दान, धर्म में नहीं दे तो उतर लौटाओ तो दो दो हजार गेस्ट कर रहे। अब वो गांव प्रयागराज, सो पंडा जी बोले, करो कछु दान, अब बात दान करो जाने ही नहीं, धर्म में बाप को पैसा लगने ही नहीं है। तो सुब्बा ने एक रुपया निकारो, ऐसे मुठा में बंद करके सोचन लगो, देवे ना देवे, अब एक रुपया कितना ऐसे ले लू, सो वो पसी जा। सुबाने बोलो बोलो अरे राम राम, जो रुपज्जा रो रहा हूं संग नहीं छोड़ा चारा। सुबाने फटी में डाल, पंडा जी बोले, देव भाई संकल्प में कुछ छोड़ना पड़ता है। सुबह बोलो, महाराज तुम जाना परेशान कर रहे हैं तो और कुछ नहीं छोड़ रहे, आज से प्राग राजा बाबू ही छोड़ दिए जे लो जिंदगी। अब महाराज वो सेठ जी पैसा वाले तो बहुत थे, पंडित जी बने, भगवान बोले हम मेहनत का लेते हैं, भागवत देवी भागवत बोले, चार साल से गंगा जली रखी महाराज, ते तड़ाक नहीं करो जो कछु बने। सो भगवान बोले, तुम लोग का कमी, अच्छा ठीक है तुम्हारी इच्छा है तो कोई बात नहीं महाराज, कथा अच्छी होना चाहिए, बहुत नाम है हमारा, काऊ ने जी कह रही कहां से आए पंडित जी, मामला बिगड़ जाएगा। सो भगवान बोले, चिंता मत करो, प्रयास करेंगे। सो सेठ जी ने रात ही में टेंट जजमेंट
बढ़िया बैनर पंपलेट राजाई में प्रसार हल्ला हो गया, बिछावन बिछ गई और भगवान बने। पंडित जी ने एक श्लोक कहा सो पूरी जनता गदगद हो गई। इसको कहते हैं कथा। देखो कथा तो भाई वो तो सरस्वती की कृपा। अब भीड़ पे भीड़ बढ़ने लगी। लक्ष्मी जी ने पता चलाया हमारे पति कहाँ है, फलाने गांव में नगर में। पंडित जी बने भागवत कह रहे सो लक्ष्मी जी गई सामने, चार पांच नौकरानियां, चार पांच अटैची और बढ़िया सोला श्रृंगार किए लक्ष्मी जी ने। आला झाला भाला मटर वाला चकाचक डेढ़ किलो सोना। अब वहीं पहुंची लक्ष्मी जी नौकरानियों को लेकर के जहां पंडित जी बने भगवान कथा कह रहे। अब सेठ जी को टाइम मिलो सो संजान में फिर हिसाब किताब करने लगे। अब पंडित जी एक मकान था सेठ जी का, सो ऊपर कमरे में छोटा सा कूलर पंखा लगा। बेचारे गए वो अपने बैठ के थोड़ा विश्राम करने लगे। अब लक्ष्मी जी गई, सेठ जी फिर हिसाब किताब लगा रहे। लक्ष्मी जी बोली राम राम सेठ जी। ओ देखा बड़े घर की देवी सोने से लदी। आओ बैठ बैठ बैठ। नौकरानियां बैठ गई, लक्ष्मी जी बैठ गई। गर्मी का टाइम था, देखो रिश्तेदार देख के रोटी बनत। सो सेठ जी ने नौकर चाकरन से नहीं कही कि तुम पानी ले आओ। सेठ जी गए ट्रे में बढ़िया चार पांच गिलास पानी लेके आए। देवी जी पानी पी लो। सो लक्ष्मी जी ने वो गिलास उठाओ फेंक दो। सेठ जी बोले बड़े घर की है जानती है हमारे यहाँ जी बर्तन बाजने माजने वाली आती सब कचर पचर करके चली जाती। सकरो भेड़ो हो गए जावे तासे फेंक दे। सेठ जी गए बढ़िया माज पहुंच के फिर गिलास भर के लाए। ले देवी जी पी लो। सो लक्ष्मी है फिर गिलास फेंक दो। सेठ जी बोले प्यास नहीं लग रही का। लक्ष्मी जी बोली प्यास तो लग रही, तुम्हें पानी पिलाना नहीं आता है क्यों। लक्ष्मी जी बोली ना तो मैं स्टील के गिलास में पानी पिया ना तांबे के में ना पीतर के में ना चांदी के में सोने के में पिया। सेठ जी बोले देवी जी पियो चांदी पियो, चांदी को तो है एक आध सोने के नैया। सो लक्ष्मी जी बोली नैया तो हमसे कहो नौकरानी से कही खोलो अटैची। सो लक्ष्मी जी की संगे जो नौकरानी आती सो एक अटैची खोली माने सो बामे सोने के गिलास सेठ के सेठ धरे। सो तीन नकारे लक्ष्मी जी ने जाओ इनमें ले आओ तब पियेंगे पानी। सुबह सेठ जी जलघरा में नहीं गए दुकान में गए और एक गिलास तौले के देख बजाने के देखो छाती से लगा के बोले हे भगवान जी हमें मिल जाए पानी भर के ले आए। सो लक्ष्मी जी से कह लो देवी जी पी लो पानी। सो लक्ष्मी जी ने कुल्ला करो उस सोने को एक गिलास फेंक दाओ, दूसरे से हाथ पांव धोए दूसरों फेंक दाओ और तीसरे से पानी पियो तीसरों फेंक दाओ। सो सेठ जी बोले देवी जी ये माज के तुम्हारे तुम्हें दे दें। लक्ष्मी जी बोली नहीं नहीं वो तो हम जाके यहाँ पानी पिए तो बही कौन दे दिए थे जी और जाके यहाँ रोटी खाओ सोनी की थड़िया बही कौन दे। सुबह सेठ बोलो बनिया के दो चार दिन रुक जाए तो चार पांच थड़िया हो जाए पंद्रह बीस गिलास। हे भगवान यहाँ से लगो लालच। सो सेठ जी बोले देवी जी तो यही विश्राम। लक्ष्मी जी बोली यहाँ शाम का टाइम है रुकना तो है ही किसी के यहाँ। सोच रहे का भले आदमी को घर मिल जाए तो उसी के यहाँ रुक जाए। सो सेठ जी बोले पूरे गांव दोनों डी में घूमे आओ हम जैसो भलो आदमी को मिलेगा ही नहीं। अब एक गिलास थरियां दिखा रही थी। सो लक्ष्मी जी बोली चलो ठीक है मकान दिखाओ अच्छा है जो कमरा पसंद आएगा उसमें हम रुकेंगे। अब भगवान बैठे ऊपर दो घंटा हो गए कोई बालक जाता पैर दाता कोई चाय कोई पानी कोई दूध नाश्ता कुछ पूछता। भगवान दो घंटा हो गए कोई नहीं गया। भगवान ने नीचे देखा अरे लक्ष्मी जी आ गई अब परीक्षा की घड़ी अब देखो क्या होता है। सो लक्ष्मी जी को दिखाया हमारा सेठ जी ने सेठानी का कमरा ना पसंद सेठ जी का ना पसंद बहुओं का ना पसंद बच्चों का ना पसंद। अब छोटो सो कमरा एक तखतिया डरी एक कूलर धरो भगवान अकेले वहां में बैठे। सो लक्ष्मी जी बोली हाँ हाँ जी पसंद है ये कौन है। सो सेठ जी बोली ऐसे ना बोलो भागवती पंडित बढ़िया सुंदर कथा कह रहे हैं ऐसी कथा कह रहे हैं महाराज कि क्षेत्र में पंडित जी नहीं आए आज तक जनता पे जनता हो मिल रही। सो लक्ष्मी जी बोली अब नहीं रुकेंगे का क्यों कहा जाए जग भागवत और पंडित जी रथ वहां तो हम रुकते नहीं है पहले इन्हें भगाओ तो रोको। अब बड़ा धर्म संकट।
सो सेठ जी हाथ जोड़ के पंडित जी अपने भगवान से बोले, महाराज जा कमरा छोड़ दो, वैसे ही तो देवी जी को पसंद नहीं आ रहा हो, तो जी देवी जी को पसंद आ गा जा मैं रुकेंगी बे और नीचे आप। सो भगवान बने पंडित जी बोले, पागल है क्या, साधु संत ब्राह्मण कथा वाचक भागवती पंडित की यहाँ आसन लग जाती फिर चिगती नहीं है। सेठ जी बोले, फालतू की बात नहीं करो, सब चिग जाओ, तुमने वादों पलंदा था नीचे पटक दो जाओ। अब बेचारे पंडित जी आए सो अपने बिस्तर लगा रहे। लक्ष्मी जी बोली, बिस्तर नहीं लग रहा, इन्हें भगाओ तब रुकेंगे हम। अब सेठ जी आके बोले, महाराज आप आ गए हो, हमने कथा करा ली, वो मोह मांगी जित एक दक्षिणा मांगो, सोम अभी बीला सौंप रहे वो अभी कृपा करो। सो पंडित जी बने भगवान बोले, चार दिन भय कृष्ण जन्म हुए, बाल लीला सुदामा चैत्र हवन, अधूरी कथा छोड़ के हम कैसे भग जाएं। सो सेठ जी बोले, आप रुक रहे तो मैं देवी जी नहीं रुक रही। अच्छा ऐसा करो महाराज, आदि जा साल के लिए आदि पर साल के लिए, जो विदाई पूरी हो वो विदाई पूरी, जबरदस्ती पंडित जी को विदा कर दिया सेठ जी। देखो पंडित जी गए एक छोटी सी नदी, वहां जाके बैठ गए। लक्ष्मी जी कमरा में बैठी, बहुएं बड़ी चतुर थी, सो काऊ ने चावल की खीर, काऊ ने साबूदाने की, काऊ ने मखाने की, काऊ ने समाई के चौरन की, दो चार प्रकार की खीर बनाई। सो जितने खीर बनाएंगे उतनी कई कटोरियां जो रहेंगी, वो आठ दस प्रकार की सब्जी, सोने का थाल तो मिलेगा ही। चकाचक भोजन तैयार, बहुओं ने कहा पिताजी देवी जी को बुलाओ, और वे कमरा में गए सेठ जी। सो देवी ना देवता कमरा खाली, अब सेठ जी रोए, चप्पा चप्पा पूरे गांव का छाना। एक नदी के किनारे लक्ष्मी और भगवान बने पंडित जी बैठे हैं। सेठ जी हाथ जोड़ के देवी जी से बोले, तुम जहां बैठी भोजन तैयार है। लक्ष्मी जी बोली, हम भोजन करने नहीं आए थे, हम तो परीक्षा लेने आए थे। ये भगवान है धर्म के अवतार, हम इनकी पत्नी लक्ष्मी जहाँ जी नहीं रहेंगे वहां रहने वाले नहीं है। सेठ जी रोने लगे, दुविधा में दोनों गए, माया मिली नारा। दृष्टांत नहीं है, सिद्धांत है बंधुओं। केवल पैसा के पीछे पड़ोगे, धर्म नहीं करोगे तो याद रखना, एक दिन लक्ष्मी भी चली जाएगी और भगवान भी तुमसे दूर हो जाओगे। और धर्म रूपी परमात्मा को यदि तुम पकड़े रहोगे, धर्म करते रहोगे, पुण्य करते रहोगे, तो धर्म रूपी परमात्मा तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखेगा और लक्ष्मी भी तुम्हारा साथ देती रहेगी। यही तो हुआ जब रावण मरा था। मंदोदरी रो रही थी और कह रही थी, स्वामी हमने तुम्हें कई बार समझाया, तुम धर्म स्वरूपी परमात्मा के चरणों में जाते चले जाते तो लक्ष्मी स्वरूपा सीता की कृपा मिल जाती और भगवान का आशीर्वाद मिल जाता। केवल तुम लक्ष्मी सीता के पीछे पड़े हो इसलिए दुर्गति हुई तुम्हारी। राम विमुख अस हाल तुम्हारा, और रहा न कुल कहु रोम निहार। यहाँ भगवान की और लक्ष्मी जी की परीक्षा हुई। भगवान आए, समुद्र मंथन हुआ, वारुणी मदिरा निकली, राक्षसों ने पी, भगवान प्रसन्न हो गए, अब इन्हें अमृत नहीं मिलेगा जिसने मदिरा पी है। और पुनः समुद्र मंथन हुआ तो धन्वंतर त्रयोदशी दीपावली के पहले कहते हैं, उसी दिन धन्वंतरी जी महाराज अमृत का कलश लेके प्रकट हो गए। पहले ये आयुर्वेद की औषधियां कोई नहीं जानता था। धन्वंतरी जी महाराज ने आयुर्वेद की औषधियों का प्रचार प्रसार किया है। अमृत का कलश लेके दैत्यों ने छीना, भाग गए। देवताओं से भगवान ने कहा, चिंता मत करो, मोहिनी स्वरूप धारण कर लिया, भगवान नारायण से नारी बन गए, गेंद उछालते हुए। भाग्य में नहीं था दैत्यों के अमृत, पहले हम पिएंगे, पहले हम पिएंगे। भगवान को देख के सब मोहित हो गए। देखो एक बात बताए, भगवान ने ये मोहिनी अवतार क्यों लिया, लक्ष्मी को अभिमान हो गया था हम बहुत सुंदर हैं। तो भगवान बोले, लक्ष्मी का थोड़ा दूर अभिमान भी हो जाएगा। भगवान वैसे ही सुंदर लगते, आप कहोगे कैसे, माने पर...